हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 12 से क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, द रेलवे फेयर फॉर 61 किलोमीटर इज़ ₹183, फाइंड द फेयर फॉर 53 किलोमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, 61 किलोमीटर का फेयर गिवन है ₹183, हमें 53 किलोमीटर्स के लिए फेयर को फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन से ही क्लियर है कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे फेयर भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फेयर भी डिक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया है कि रिक्वायर्ड फेयर जो है ₹X है। देन इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया है, डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है, फेयर रुपीज़ में है। जब 61 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है तो फेयर ₹183 लगता है। देन हमें फाइंड करना है कि 53 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना फेयर लगेगा। यहाँ पे हमने एक्स लेट किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इन द अबव टेबल डिस्टेंस डिक्रीजेस देन द फेयर ऑल्सो डिक्रीजेस, मीन्स इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम लिख सकते हैं x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। ठीक है फ्रेंड्स, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है तो x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 हो जाता है। 61 upon 183 is equal to 53 upon x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 61x is equal to 53 into 183। देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 53 into 183 upon 61। इसे सॉल्व करेंगे, 61 1 जा 61 एंड 61 3 जा 183। देन 53 into 3 is equal to 159, मीन्स जो रिक्वायर्ड फेयर है वो हो गया ₹159। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।